ओके गुड इवनिंग एवरीबडी गुड इवनिंग तान्या राहुल आशीष वर्षा महेंद्र सत्येंद्र आई जस्ट योर मेल रिगार्डिंग वो होमवर्क वाला जो चीज था तो राज की वो तुम्हारा नाम ऐड कर देगा उसमें ओके okay? तो ग्रुप देखते रहा करो दोनों डिस्कशन ग्रुप भी देखो और जो दूसरा जो मेन ग्रुप है उसमें तुम लोग क्लास कब है ये तो पता चल ही जाता है सो पीपल हु आर वाचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम माय नेम इज इनुप्रिया एंड हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं जिन लोगों का डाउट है कि मैं कहाँ से हूँ उसका जवाब ये है कि मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ ठीक है बिकॉज मैं शाहरुख खान की तो फैन का पता नहीं लेकिन मैं चक द इंडिया मूवी की फैन हूँ ठीक है तो ये है आपका टेलीग्राम चैनल जिस जिसका नाम है नॉलेज आर ठीक है यहाँ पे पी वगैरह के लिए ये ग्रुप ज्वाइन कर लो जो बच्चे आ गए हैं वो सेशन लाइक like कर दो और अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं उससे पहले बता दूं कि जो हम लोग का डिस्कशन ग्रुप चल रहा है उसमें आज हम लोगों ने एक नई चीज स्टार्ट करी विच सीम्स टू बी रियली गोइंग गुड कुछ बच्चों ने काफी अच्छे तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट किया है सो वट वी डिड इन द मॉर्निंग वॉज हम लोगों ने कुछ बच्चों ने वॉलेंटियर किया एंड उनको मैंने डेट्स डिसाइड करके दे दिए कि भाई आपको हर हर बच्चे को तीन से चार दिन दे दिए ये तीन

कल सुबह तक कल शाम तक वो सारे के सारे मेन ग्रुप में डाल दूंगी सो वट इज एग्जाम टाइम पे तुम लोगों को वो चीज जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएगी एंड एक दिन में आप देख रहे हो कि इफ़ यू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चन यू आर एबल टू कवर अ लॉट मेनी थिंग्स कुछ तुम्हें पता भी होंगे और कुछ नहीं पता होंगे एंड इफ यू डोंट नो सर्टन थिंग्स क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसको इग्नोर मत करो जस्ट सी कि ये गलत क्यों हो रहा है कोई नई चीज़ पता चल रही है तो देखो कि भाई मुझे क्यों नहीं पता थी ठीक है और अगर पता थी तो मैंने गलत क्यों किया और चलो नहीं पता थी तो उसको याद कर लो कि वो मिस्टेक ना हो हम मिस्टेक्स यहाँ ग्रुप में करेंगे क्लास में करेंगे हम मिस्टेक्स एग्जाम में नहीं करके आएंगे परफेक्ट जीरो जीरो कौन है भाई जीरो तुम्हारा नाम अच्छा नहीं है क्या तुमने जीरो नाम क्यों रखा है अपना इन्फिनिटी नाम रखो रोशनी तिवारी आकृति वेरी गुड इवनिंग वेलकम टू क्लास आज से आप ऑनलाइन हमारे साथ रहेंगी मुझे ये जानकर काफी अच्छा लग रहा है थैंक यू सो मच ओके कूल सो अब हम लोग देखेंगे कि हमने कल क्लास नहीं करी थी उसके पहले हमने क्लास करी थी तो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या देखा जल्दी से इसको रिवाइज करेंगे वेदिक एज की बात हमने, इसको किया। Early, वेदिक एज में हमने प्रोटो हिस्ट्री की बात करी वो हिस्ट्री जिसको डिसाइफर नहीं किया जा सकता है हिस्ट्री क्या होती है वो पीरियड जिसमें हम जो लिखा हुआ है उसको डिसाइफर कर पाए हैं वो लैंग्वेज समझ पाए हैं ओके एंड इस हिस्ट्री वाले पीरियड में आपकी वैदिक एज आ जाती है इसके बाद इस पीरियड में हम बेसिकली आर के इन्वेजन से आर के आने से डील करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब आर की हम बात कर रहे हैं तो उसमें कितने तरीके की थियोरीज दी गई हैं कितने तरीके के ओपिनियंस हैं किसके ओपिनियंस हैं भाई ओपिनियंस किसके हैं हिस्टोरियंस के ओपिनियन वो हिस्टोरियंस कौन कौन हो सकते हैं वो इंडियंस भी हो सकते हैं वो फॉरेनर्स भी हो सकते हैं तो हमने दोनों के ओपिनियंस देखे थे इंडियंस में तिलक दयानंद सरस्वती संपूर्ण आंद जी की थ्योरीज देखी थी फॉरेनर्स में हमने यहाँ पे एक ऑस्ट्रो हंगेरियन थ्योरी देखी थी विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट और एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है वो मैक्स म्यूलर की थ्योरी है मुलर की थ्योरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओके okay? इसके बाद कुछ और दो तीन दो तीन ओपिनियंस हमने लोगों को देखे एंड देन वी मूव टुवर्ड्स दी वैदिक एज और वैदिक एज में हमने एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट किया यहाँ पे ओके अब वेदिक एज की जब हम बात करते हैं तो हमने देखा था कि कैसे ये सोसाइटी मेल डोमिनेटेड थी लेकिन अर्ली वेदिक एज में वुमेन को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी ओके ये चीज हमने यहाँ पे देखी मैं एक्जैक्टली वो टेबल खोल देती हूँ ठीक है अर्ली वेदिक अर्ली वेदिक की बात करते हैं तो हमने देखा था कि हॉर्सेस हैं चैरियट्स हैं स्पोक्ट व्हील है इनका एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट था तो ये बेसिकली पेस्टोरल पीपल थे एग्रीकल्चर करते थे लेकिन ये पेस्टोरल पीपल थे उसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी जो वेल्थ थी वो काउज थी ठीक है उनको नहीं मारा जा सकता था उनको हर्ट नहीं किया जा सकता था इसके बाद ट्राइबल पॉलिटी की हमने बात करी थी तो हमने देखा था ट्राइबल चीफ कौन है राजन है उसके बाद दो इंपॉर्टेंट प्रीस्ट देखे थे वशिष्ठ और विश्वामित्र एक थे लिबरल आपके एक थे कंजर्वेटिव आपके इसके बाद इस टाइम पे कोई टैक्स कलेक्शन के लिए कोई ऑफिसर नहीं था डिड नॉट हैव एनी ऑफिसर फॉर टैक्स कलेक्शन यहाँ पे आपको जो भी टैक्स देना है यू यूज टू गिव इट वॉल्टरली आप मेरा मन है मतलब जैसे समझ लो कि पढ़ाई अच्छी लग रही है मेरी लाइक कि चलो आज मैम को एक रुपए दे दिया ठीक है सो दैट्स हाउ ये ये जो ऑफरिंग कहलाएगी अगर हम ये अर्ली वैदिक एज में होते तो ये ऑफरिंग को हम बाली बोलते हैं ओके okay? इसके अलावा अगर देखा जाए तो यू हैड दीज फोर पीपल व्रजपति पुरोहित ग्रामीणी और सेनानी ये चार नाम हमने और देखे थे ओके okay? इसके बाद यहां पे हम देखेंगे कि ट्राइब एंड फैमिली की हमने बात करी तो भाई यहाँ पे एक सोसाइटी तो जगह अगर, अगर और अर्ल, अर्ली वैदिक और लेटर वेदिक में कहा पे वुमेन की पोजिशन ज्यादा बेटर थी तो इट वॉज डेफिनेटली इन अर्ली वेदिक पीरियड कैसे लेटर में खराब थी ये हम आज एक चार्ट के थ्रू देखेंगे ओके इसके बाद देखा हमने कि लार्जली तो ये सोसाइटी पेट्रियॉरिकल थी लेकिन बैलेंस था कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी ज्यादा सोशल डिविजन की बात करें तो ये अर्ली वैदिक पीरियड खत्म होते होते आपका फोर्थ वर्ण जो था वो अपियर हो गया ये आगे हम देखेंगे इनके गॉड्स की अगर हम बात करें तो हमने सबसे इंपॉर्टेंट गॉड की बात करी थी इंद्र जी की ठीक है इंद्र भगवान की बात करी थी परसोनिफाइड नेचुरल फोर्सेस की बात करी थी और ये लोग जो पूजा वूजा करते थे ये अपने मटीरियल रीजन के, के लिए करते थे इतना हमने अर्ली वैदिक एज को यहाँ पे रिवाइज किया अभी तक हमने जो पढ़ा ये चीजें समझ आ गई हैं अगर तो कूल करो या उस दिन क्या कर रहे थे तुम लोग झमाझम टाइप्स कुछ करो और आगे बढ़ते हैं फिर ओके okay. आरोही आप बहुत ही छोटे हो एंड आई वेलकम टू द्लास इफ यू आर सिंसियरली वॉचिंग दैट इज रियली नाइस टेंशन लेके कुछ मत सुनना नहीं समझ आए तो उसको इग्नोर कर देना ठीक है उस पर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर मैं जो चीज यहाँ बोलूँ तो मैं समझना है एंड आई एम रियली है कि तुम इतनी मेहनत कर रहे हो दिस वॉज डेफिनेटली फॉर यू एंड सी एब्रीज अपलोडिंग यू हेयर तो मेरी तरफ से भी तुम्हारे लिए ऐसे क्लाब्स ओके परफेक्ट लेट्स मूव अहेड नाउ अब हम बात करेंगे अर्ली और लेटर को हम कंपेयर करेंगे क्योंकि अब हमें लेटर वैदिक के बारे में जानना जरूरी है तो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही सुंदर टेबल फॉर्म में चीजें लिखी हुई हैं, सो दैट यू कैन कंपेयर अर्ली एंड लेटर ये टेबल जो है इसी के थ्रू आपके मैक्सिमम आंसर्स मिल जाएंगे आपको मेंस के ठीक है अर्ली वैदिक की बात करी और लेटर वैदिक की बात करी यहाँ पे स्टेटस ऑफ वुमेन हम अर्ली वैदिक में देख रहे हैं दे वर कंसिडर एट पार विद अभी बताया था तुम लोगों को कि भाई

<coughs> यहां से शुरू हुआ कि कैसे वुमेन को इंफीरियर और सबऑर्डिनेट ऑर्डिनेट कंसिडर करा जाने लगा और यहां से मेल डोमिनेंस इंक्रीज होती गई होती गई होती गई अब वुमेन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने देखा था कि वुमेन को काफी रिस्पेक्ट किया जाता था अर्ली वैदिक एज में इसी टाइम पे हमने देखा था कि विडो मैरिज विडो मैरिज को प्रमोट करते थे और चाइल्ड मैरिज को डिस्करेज करते थे बट ये चीज उल्टी हो गई आपके लेटर वैदिक आते आते यहाँ पे विडो मैरिज को डिस्करेज किया जाने लगा जो कि हम आज भी कई बार कई जगहों पर ऐसा देखते हैं नॉट जनरलाइजिंग इट एंड नो चाइल्ड मैरिज होती थी आपकी अर्ली वैदिक एज में ये लेटर वैदिक एज में आते आते चाइल्ड मैरिज प्रेवलेंट हो गई सोसाइटी में कई जगह आपको चाइल्ड मैरिजेस देखने प्रमोट करती हुई मिली ओके स्टेटस ऑफ वुमेन क्लियर है स्टेटस ऑफ वुमेन क्लियर है विनय आई विल डेफिनेटली थिंक ओवर इट एंड गिव मी सम टाइम ओवर इट ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सब देखते हैं आराम से करो बिना लोड लिए करो चीजें हो जाएंगी यार तुम लोग ये नहीं है वो नहीं है नोट्स के पीछे भाग रहे हो तो दो एनसीआर हैं तुम्हारे पास वो एनसीआर उठाओ तुम्हें मेरी जरूरत भी नहीं है ठीक है जस्ट पिकअप दो एनसीआर टीज एंड स्टार्ट रीडिंग एनसीआर पढ़ लो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है ये पढ़ा दो नहीं सब तुमसे हो जाएगा तुम ही अपने भगवान कहलाओगे

नेक्स्ट पीरियड आते आते वी वी विल आर सीइंग कि भाई सभा और समिति की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई दे द इंपॉर्टेंस जो उनको अर्ली में मिलती थी विधाता के साथ तो इतना बुरा हो गया कि विधाता ही हो गया ठीक है विधाता को जो यहाँ पे रिस्पेक्ट दी जाती थी वो विधाता की रिस्पेक्ट ही खत्म हो गई उसके बाद हमने ग्रुपिंग्स देखी थी जिनमें वुमेन अलाउड थी वुमेन को बोल दिया सॉरी थैंक यू नहीं आ सकते भाई तो वुमेन को यहाँ पे नॉट अलाउड वुमेन वो नॉट अलाउड इन दीज पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अब इसके आगे हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन की देखो यहाँ पे पॉलिटिकल सोशल पे फोकस करो बिकॉज क्वेश्चन पॉलिटिकल सोशल से ही आने वाला है सिलेबस में दिए हुए हैं चार चीजें राइट चार बुलेट जो तुम्हें पहली क्लास से बता रहे हो तो हमें मेन उन पॉइंट्स पे फोकस करना है उसके अलावा कुछ आंसर को सुंदर बनाने के लिए चीजें डाल सकते हो बीच बीच में तो डालो अब हम बात करते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन की हिमांशु थैंक यू सो मच सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप बात करेंगे तो आपके अर्ली वैदिक एज वॉज इगैलिटेरियन बताया था इगैलिटेरियन सोसाइटी थी इसके बाद ये पीरियड एंड होते होते बाय द टाइम बाय द टाइम आपका अर्ली वैदिक एज स्टार्टेड डिक्लाइनिंग एक चीज जो उभर के आने लगी वॉज योर कास्ट सिस्टम आपका फोर वर्ण सिस्टम आपका जो चार वर्णों वाला सिस्टम था ये धीरे धीरे उभर के आने लगा तो आपने देखा कि अर्ली वेदिक एज में जो सबसे अच्छी चीज थी वो ये था कि सोसाइटी गैलीटेरियन थी और कास्ट सिस्टम नहीं था नो कास्ट सिस्टम बट दिस थिंग चेंज ये चीज चेंज हो गई आपकी लेटर वेदिक में यहाँ पे सोसाइटी स्ट्राटिफाई होने लगी यहाँ पे सोसाइटी अलग अलग स्ट्राटाज में डिवाइड होने लगी सोसाइटी गोट डिवाइडेड इनटू फोर वर्णाज यहाँ पे चार वर्ण आ गए अभी ये चार वर्ण तो सबको पता है आज तक पता है अब चलते ही आ रहे हैं कब से आ रहे हैं देख लो ठीक यहाँ पे जो ब्राह्मण्स थे जो ब्राह्मण थे ये एक्सेप्टर ऑफ गिफ्ट्स थे दीस वर लाइक इनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी ये सबसे सुप्रीम कंसीडर किए जाते थे ये सबसे लाइक अपर कास्ट कंसीडर किए जाते थे एंड दे वर दी एक्सेप्टर ऑफ गिफ्ट्स ओके इसके बाद वैश्यास की अगर हम बात करें दे वर दी ओनली ट्रिब्यूट पेस ये आप ये ट्रिब्यूट देते थे ठीक है पैसा वगैरह देने का काम करते थे सिंपल भाषा में समझो और शूद्राज क्या है ये मैं अब क्या ही बताऊं सबको पता ही है दे द वर्स्ट पोजिशन इस सोशल ऑर्डर में जो ये वर्ण सिस्टम था इसमें शूदराज सबसे नीचे थे ओके okay? सो so, ये चार लाइक द वर्ण सिस्टम स्टार्टेड अप्योरिंग इन द लेटर वे एज Point mention मतलब नहीं था लेटर में आ गया अब देखो ब्राह्मण एंड क्षत्रियज दे स्टार्टेड लिविंग ऑन द ट्रिब्यूट कलेक्टेड फ्रॉम तो ये जो ट्रिब्यूट जो पैसे वगैरह समझ लो जो कलेक्ट किए जाते थे वैश्या से उस पर अशी करने का काम उस पर रहने का काम उस पर जिंदा रहने का काम किसने शुरू किया ब्राह्मण और क्षत्रिया ने इसको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं सिंपल सी बात इतनी है कि वैश्य से पैसे लेकर जो स्पेंड किए जाते थे वो ब्राह्मण और क्षत्रिया स्पेंड करते थे ठीक है इसके बाद ओनली द फोर्थ वर्ल्ड वॉज डिप्राइव्ड ऑफ द सेक्रेड थ्रेड भाई सेक्रेड थ्रेड जानते हो वो उपनयन संस्कार वगैरह जो होते हैं दैट वॉज अलाउड deprived. Deprived नहीं, नहीं थी जो आपके शूद्रास थे इनको अलाउड नहीं थी देर डिप्राइव्ड ऑफ द सेक्रेड थ्रेड एंड इवन रिसाइटेशन ऑफ गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र गाया नहीं जा सकता था रिसाइट नहीं किया जा सकता था और सेक्रेड थ्रेड आपकी जो उपनयन वाली चीज है रिचुअल uh, ये आपका fourth one नहीं कर सकता था तो सोशल की बात अगर में आ रही है, तो आप 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 देखो कि एक system की मदद से अपने आंसर को कितना इलेबोरेट कर सकते हो ठीक है उपनयन वाला चीज आ गया गायत्री मंत्र वाला चीज आ गया ओके इसके बाद इसके बाद आप ये देखो दैट दे इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र यहाँ से हम बोलते हैं ना कि एक ही गोत्र में शादी नहीं करनी है गोत्र के बाहर शादी करनी है कई बार ऐसा होता है कुछ ऐसे ट्राइब्स वगैरह देखे गए जब हम लोग ट्राइब्स पढ़ रहे थे तब हमने कहीं पे किसी पे पढ़ा था एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट वहां पे उनको एक ही गोत्र में शादी करनी होती है यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि एक ही गोत्र में शादी नहीं करनी है बट

प्रथा थी वो यहां से शुरू हुई कहां से लेटर वेदिक एज से अब भाई बताओ कि ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन समझ आया कि नहीं आया ओके स्टूडेंट हुआ ईयर आई वेलकम यू टू द क्लास आल्सो लाइक द सेशन एंड शेयर इट एंड एंजॉय हिस्ट्री विद मी

ये लेटर वेदिक से आया तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है ओके okay? इसके बाद इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्यूपेशन की वेन वी टॉक अबाउट ऑक्यूपेशन तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल पैस्टरल सोसाइटी थी मेनली आपकी अर्ली वेदिक एज में

बचाने का काम करते हैं इनकी कैटल वेल्थ को बचाने का काम करते हैं बट वेन टॉक अबाउट द लेटर एज भाई यहां से दिक्कत शुरू हो गई यहां से इतनी दिक्कत सारी गलतियां मुझे लगता सारी है सारी दिक्कतें ना लेटर एज से ही शुरू हुई हैं और वो सारी दिक्कतें तो आज भी देखने को मिल रही हैं ठीक है इफ़ यू टॉक अबाउट द वर्ड सिस्टम अब मैं तुम्हें एक और दिक्कत बताने वाली हूँ फाइट फॉर टेरिटरी यहाँ से भाई लैंड की दिक्कत शुरू हो गई है टेरिटरी की मेरा तेरा शुरू हो चुका है यहाँ से ओके सो द वॉर्स इन द लेटर वेदिक एज ये टेरिटरी पे होने लगे आज भी हम लोग इंडिया पाकिस्तान कश्मीर फिर अभी वो लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट कौन सा अमेंडमेंट था लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट बताओ तो ये सारी चीजों पे हम आज भी लड़ रहे हैं टेरिटरी पे हम आज भी लड़ रहे हैं तो ये टेरिटरी की दिक्कत कहां से शुरू हुई द स्टार्टेड विद लेटर वेदिक एज ओके इसके बाद टैक्सेशन की बात करी थी मैंने टैक्सेशन के लिए अर्ली वेदिक एज में कुछ नहीं था देर वॉज नो ऑफिसर आप लोगों को मुझे अगर पैसे देने हैं तो वो आपकी वॉलंटरी ऑफरिंग्स हैं ये टैक्स की बात हो गई बट इफ यू टॉक अबाउट द टैक्सेशन सिस्टम इन द लेटर वैदिक एज लेटर वैदिक एज में अगर मैं टैक्सेशन की बात करूं तो देर वॉज एन ऑफिसर एक ऑफिसर था एक ऑफिसर था जिसका नाम था सांग्रीत्री ठीक है ये टैक्सेशन टैक्स tax अगर देना है तो भाई साहब के पास जाओ बोलो सर ये है ओके okay? अलग अलग तरीके के और टैक्सेस होते थे यहाँ पे टैक्सेस की वैरायटी बढ़ गई लोग बढ़ गए एक्टिविटीज बढ़ गई ऑक्यूपेशन बढ़ गई तो भाई अलग अलग ऑक्यूपेशन से आने वाले टैक्सेस की संख्या बढ़ गई तो यहाँ पे बाली सुल्का भाग ये अलग अलग और भी थे अलग अलग तरीके के टैक्सेस आ गए जिसमें से आपका जो भाग था दिस वॉज अ मैंडेटरी अभी तक हम बाली देख रहे थे दिस वॉज वॉलेंटरी ये वॉलेंट्री था मन मर्जी से देना है दो नहीं देना थैंक यू कोई दिक्कत नहीं है बट यहां पे भाग की अगर हम बात करते हैं दिस वॉज योर मैंडेटरी ये आपका मैंडेटरी था ओके okay. अब अब हम बात करते हैं किंग की भाई किंग की अगर बात की जाए अर्ली वेदिक में और फिर लेटर वेदिक में तो अर्ली वेदिक में देखते हैं कि किंग जो था इसकी जो पोजीशन थी ये रिचुअलाइज्ड नहीं थी किंग के बारे में मैं पहले भी एक जगह डिस्कस कर चुकी हूँ यहाँ पे जो दो बेसिक सैक्रीफाइज थे बहुत सैक्रीफाइजेस के नाम सुने हैं एक ये दो सैक्रीफाइजेस और हैं जिसमें से एक ये अश्वमेध वाला सैक्रिफाइस जो है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है ठीक है तो अश्वमेध मेध यहाँ पे याद रखो इसके बाद अगर लेटर वेदिक में आ जाए तो लेटर वेदिक में हमारे और ये डिटेल में दिए हुए हैं यहाँ पे अलग अलग आपके यज्ञ वगैरह या क्या क्या सैक्रीफाइसेस परफॉर्म किए जाते थे तो भाई किंग्स किंग्स तुम कहीं पे भी देखो राजा जितने भी लोग थे हिस्ट्री में वो कई तरीके के सैक्रिफाइस करते थे ये कई तरीके के रिचुअल्स परफॉर्म करते थे तो ये हमेशा आपको किंग के कॉन्टेक्स्ट में देखे ही जाएंगे वो कौन से, कौ, कौन से से किंग ने कौन से रिचुअल तो मिल ही जाएगा एक ये चारियर ट्रेस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थी ओके इसके बाद फूड की बात करते हैं तो फूड में देखो पहले था बारले बाद में हो गया राइस एंड व्हीट इनकी चीफ क्रॉप बन गई ओके okay. इसमें कुछ ज्यादा ये तुम्हारा जब कल्चरल वाला जो फैक्टर है अगर वो पूछा जाता है तो उसमें यू कैन इंक्लूड वन पॉइंट एज फूड आप वहां पे एक पॉइंट एज फूड कर सकते हो रिलीजन पूछा गया है अगर तो आप गॉड्स पर फोकस कर सकते हो यहाँ पे कल्चर में तुमने फूड डाल दिया पॉलिटी की बात हुई तो किंग डाल दिया ठीक है टैक्सेशन डाल दिया इकोनॉमी की बात में तो ऐसे ऐसे आपको अपनी टेबल दिया हुआ इतना पेजेस दैट्स इट ओके गॉड्स की बात करते हैं तो पहले हमने देखा था कि इंद्र जी को हमने अभी रिवाइज किया था तो भी हमने देखा था कि हमने इंद्र भगवान को थोड़ी इंपॉर्टेंस दी देखा कि ये मटेरियल रीजंस के कारण इनको वर्शिप किया जाता है इसके बाद अग्नि इंद्र वरुण ये जो थे ये गॉड्स थे आपके मेन लेकिन यहाँ पे हमने जो एक चीज देखेंगे अब हम लेटर वेदिक में लेटर वेदिक में इंद्र की इम्पोर्टेंस ना थोड़ी सी कम हो गई ठीक है इंद्र भगवान को इन्हें थोड़ी कम इंपॉर्टेंस दे दी ही लॉस्ट अ लिटिल बिट ऑफ इंपॉर्टेंस यहाँ पे जो आपके मेन भगवान हो गए प्रजापति द क्रिएटर प्रजापति द क्रिएटर बिकेम इंपॉर्टेंट इन द लेटर वेदिक एज ये यह यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गए बाकी आपके -मोटे भगवान तो थे ही हमेशा से भगवानों की गॉड ऑफ शूद्राज कौन कंसिडर किया जाता है ये अंकल है जो यहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं गॉड ऑफ शूदराज तो आपको ये डब्बा जो है ये नाम याद रखना है कि हाउ इंद्र की इंपॉर्टेंस डिक्लाइन फ्रॉम ओरली टू लेटर लेटर वेदे एंड हाउ माइनर गॉड्स स्टार्टेड बिकमिंग इम्पोर्टेंट जो छोटे छोटे भगवान थे वो कैसे इम्पोर्टेंट होने लगे दिस वॉज योर लेटर वेउटॉक अबाउट कल्चर इफ आई टॉक अबाउट कल्चर तो हमारे पास एक और चीज आ जाती है यहाँ पे विच your pottery, which is your pottery. Pottery वाली चीज में uh, क्या क्या चीजें develop हुई है हमने पिछली class में देखा हुआ था कुछ कुछ पेंटेड ग्रे वेयर पी जी डब्ल्यू इज योर पेंटेड ग्रे वेयर जैसे हमने इंडस हरापा के टाइम पे रेड एंड ब्लैक पॉटरी देखी थी वैसे वैदिक एज में आपकी पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी आ जाती है ओके लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है हमने आयरन के बेसिस पे दोनों आ, एज़ को डिवाइड किया है तो भाई यहाँ पे आयरन ऑब्जेक्ट्स और सीरियल्स नहीं थे किस एज में अर्ली एज में अर्ली वेदिक में लेकिन यही क्योंकि हमने आयरन के बाद वाला फेज लेटर वेदिक देखा तो ये इसको आयरन फेज ऑफ पीजीडब्ल्यू यानी पेंटेड ग्रे वेयर कहा जाने लगा ओके तो आयरन पहले नहीं था लेकिन आयरन जो था वो बाद में आ गया इसलिए हम पहले वाले पार्ट को बोलते हैं पहला वाला पार्ट क्या है आपका प्री आयरन फेज ऑफ पेंटेड ग्रेवेयर और बाद में आयरन फेज ऑफ पेंटेड ग्रेवेयर आ गया ओके okay? इतना समझ आया टेल मी मनु पांडे इफ यू हैव सम इश्यूज यू कैन डेफिनेटली लीव द क्लास नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल ओके ओके सो आई थिंक यू ऑल आर विद इट लेट्स मूव अहेड आर्मी की बात करते हैं सो द आर्मी नो स्टैंडिंग आर्मी दोनों टाइम पे इतना कोई एकदम आर्मी बनाने की जरूरत नहीं पड़ गई थी आर्मी बनाने की जरूरत तो बहुत बाद में आई सो दे डिड नॉट हैव अ स्टैंडिंग आर्मी इतना जानना जरूरी है ओके okay. इसके बाद भाई ये देखो कि यहाँ पे हम पॉटरी की बात मैंने तुम्हें ऊपर बताई वही चीज मैं यहाँ फिर से बताती हूँ कि इसको बोला प्री आयरन फेज ये था प्री आयरन फेज ये हो गया आपका पोस्ट आयरन वाला सॉरी uh, प्री ये प्री आयरन फेज था लेकिन ये हो गया आपका आयरन फेज ठीक है दिस बिकेम योर आयरन फेज इतनी चीजें समझ आ रही हैं देखो ऊपर तुम्हें अभी दिखाया है मैंने ये था आयरन फेज ऑफ पीजीडब्ल्यू अब यहाँ पे चार टाइप की पॉटरी आ गई यू यू गॉट फोर टाइप्स ऑफ पॉटरी सबसे पहले हम अगर हरप्पन्स की बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो वहां पे वहां पे ये देखा गया था कि हम रेड एंड ब्लैक पॉटरी देखते थे ओके okay? उसके बाद आ, हम पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी की बात कर रहे हैं हम वी आर टॉकिंग अबाउट द वेदिक एज वेदिक और लेटर वेदिक में प्री आयरन फेज का पेंटेड ग्रे वेयर और आयरन फेज का पेंटेड ग्रेवेयर अब जो आयरन फेज का पेंटेड ग्रेवेयर है उसमें भी चार टाइप की पॉटरी आ जाती है ये चार टाइप की पॉटरी ठीक है ब्लैक एंड रेड ब्लैक स्लिप पेंटेड ग्रेवेयर अलग अलग तरीके की पॉटरीज हैं बस नाम आप डाल सकते हैं ओके okay? अगर दो इंपॉर्टेंट साइट्स की बात की जाए अगर दो इंपॉर्टेंट साइट्स की बात की जाए तो आपकी हरियाणा में एक साइट है और आपकी दो साइट्स हैं हस्तिनापुर और कौशंबी अलग अलग हैं आपकी अर्ली वेदिक और लेटर वेदिक की ये बात आपको ध्यान रखनी है कल की क्लास में परसों की क्लास में हमने देखा था आई ऑल्सो टॉक्ड अबाउट एन इंस्क्रिप्शन दैट वॉज केसाइट इंस्क्रिप्शन याद है कहाँ बात की थी केसाइट इंस्क्रिप्शन की अगर याद है तो बताओ क्या था और जिनने नहीं देखा है वीडियो वो प्लीज वो जाके वीडियो देखो तो अगर हम अर्ली वैदिक एज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर मैं किसी इंस्क्रिप्शन की बात करूं अगर मैं आज किसी इंस्क्रिप्शन की बात करूं तो वो इंस्क्रिप्शन था वो घास कोई इंस्क्रिप्शन ये एशिया माइनर यानी कि टर्की का इंस्क्रिप्शन था ये इंपॉर्टेंट है तो भाई इंस्क्रिप्शन दो इंपॉर्टेंट हो गए यहाँ पे ये दो नाम मैंने तुम्हें अभी बता दिए हैं ओके एक चीज जो तुम्हें याद रखनी है वो ये देखनी है कि भाई अर्ली वैदिक जो पीरियड था ना अर्ली वेदिक में फिर से बता रही हूँ कि वर्ण सिस्टम अर्ली वेदिक में नहीं डेवलप था इट वॉज ओनली इन द लेटर वेदिक लेटर वेदिक वाले पीरियड में आपका वर्ण सिस्टम जो था दैट स्टार्टेड टू ग्रो वर्ण सिस्टम आपका वहां से डेवलप होना शुरू हुआ ओके आई होप दिस इज क्लियर इतना समझ आ गया है तो बताओ वी विल मूव अहेड समझ आ गया कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है जस्ट लेट मी नो कूल cool करो फिर आगे बढ़ते हैं चलो परफेक्ट लेट्स मूव अहेड अब अगर हम बात करें अब अगर हम बात करें तो देखो जो मेन आपका अर्ली और लेटर वेदिक था उसके डिफरेंसेस हमने देख लिए हैं नाउ विल बी फोकसिंग ऑन सम फैक्ट्स जो कि प्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है उनको अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा यूज करना चाहो तो डेफिनेटली मेंस के लिए यूज कर सकते हो लेकिन ये फैक्ट्स हैं विच आर इंपॉर्टेंट भाई वेदिक लिटरेचर की बात करी चार वेद आ जाते हैं और कुछ उपवेद आ जाते हैं ये चार वेद सबको पता है कौन से है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद ठीक है इसके बाद हर वेद ईच वेद इंडिविजुअली कंसिस्ट ऑफ ईच वेद इंडिविजुअली हर वेद में इंडिविजुअली एक संहिता एक ब्राह्मणा एक अरण्यक और एक उपनिषद होती है अब यार उपवेद की बात करें वेद तो देख लिए अब अगर मैं उपवेद की बात करूं तो उपवेद में बेसिकली अप्लाइड नॉलेज होता है ठीक है अप्लाइड नॉलेज जैसे बोला जाए कि भाई उसमें मेडिसिन के बारे में ये बताया जाएगा कि मेडिसिन को यूज कैसे करना है ठीक है मेडिसिन से रिलेटेड चीजें बताई जाएंगी कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अप्लाइड नॉलेज को समझ लो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है तो इसके अलग अलग डिविजन में धनुर्वेद गंधर्व वेद शिल्प वेद आयुर्वेद आयुर्वेद से समझ लो कि भाई आयुर्वेद एक अप्लाइड साइंस है एक अप्लाइड नॉलेज है एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि आयुर्वेदिक दवाइयों दवाइयां खा के क्या होने वाला है ठीक है या कैसे वो अपनी बॉडी पर याद तो जी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ये आपके उपवेद बताते हैं सॉरी <coughs> ठीक अब हिंदू स्क्रिप्चर्स की अगर हम बात करें तो वी हैव श्रुति और स्मृति श्रुति के अंदर हमारे ये वेद ब्राह्मण अरण्यक वगैरह आ जाते हैं और अगर मैं स्मृति की बात करूं श्रुति स्मृति सब जानते हो तुमने शायद प्री में सबने पढ़ाई है ठीक है तो धर्मशास्त्र यहां आ गए एपिक्स आ गई कुछ रामायण और महाभारत टाइप की कुछ पुराण आ गए तो ये सारी चीजें जो हैं आपके श्रुति और स्मृति में कैसे आपका लिटरेचर डिवाइडेड है कि ये चीज देखनी है जिन लोगों ने प्री के लिए ये नहीं पढ़ा है पढ़ लो बिकॉज ये टॉपिक जो आ, आता ही है अभी मेन्स की क्लास है इसलिए इतना फैक्चुअल मैं तुम लोगों को नहीं बता रही हूँ ठीक है अब भाई ऋग्वेद की बात करते हैं कुछ फैक्ट्स देख लिए जाए कुछ फैक्ट्स यहाँ पर देख लिए जाए कुछ फीमेल गॉड्स आती हैं ये फीमेल गॉड्स के नाम तुम लोगों को पता होने चाहिए यहाँ पे ये देखा जाता है कि ऋग्वेद में मैंने बताया कि गायत्री मंत्र गायत्री रिसाइटेशन लाइक like, मंत्र रिसाइटेशन शुरू हो गया था तो जो गायत्री मंत्र का रिसाइटेशन है दैट इज कम्पोज बाय विश्वामित्र ये यहाँ इस टाइम की बात हो रही है अब अगर ऋग्वेद की बात करनी है अब अगर ऋग्वेद की बात करनी है तो इसमें भाई वन जीरो टू एट हिम्स हैं कुछ मंडल्स आते हैं ठीक है पहला और टेंथ मंडल यंगेस्ट है ये हम पिछली किसी क्लास में देख चुके हैं अभी तुम लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा बट देन इफ एल सेंड द पीडीएफ यू विल डेफिनेटली बी एबल टू फिगर इट आउट यहाँ क्या लिखा हुआ है ओके okay. इसके बाद आपको ये देखना है ये तो इम्पोर्टेंट चीजें दस मंडल की क्या क्या इंपॉर्टेंस है ये मैंने बता दी वैसे ही यू हैव यजुर्वेद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बस याद रखो ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट याद रखो कि टू मेन टेक्स्ट हैं यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद और श्याम यजुर्वेद ठीक है ये दो मेन टेक्स्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं अब जस्ट सेकेंड इसके बाद सामवेद की बात करते हैं तो सामवेद इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट म्यूजिक बुक पहली म्यूजिक बुक किसको को कंसिडर किया जाता है सामवेद को कंसिडर किया जाता है ठीक है ये कुछ मेलोडी गाने वगैरह से ये रिलेट करता है इसके बाद हम अथर्ववेद की बात करते हैं भाई अथर्ववेद जो था ये चार्म्स एंड स्पेल्स इविल को दूर भगाने के लिए था मैजिकल हिम्स वगैरह चार्म्स एंड स्पेल्स ये सारी चीजें आपकी अथर्ववेद में आती हैं ओके एंड वेद जो है इज द लेटेस्ट ऑफ द फोर वेदा जो चार वेद हैं उसमें जो लेटेस्ट वेदा है दैट इज योर अथर्व वेद ओके इतना समझ आ गया इसके बाद ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है अभी ये चीज जो मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ वो ये देखो कि भाई स्टोन एज आया स्टोन एज था ये हम लोगों ने मेंस में नहीं पढ़ा है लेकिन प्री में हम लोग पढ़ते हैं इसको स्टोन एज था स्टोन एज को तीन टाइप में डिवाइड करते हैं चालकोलिथिक इसके बाद आती है ब्रॉन्ज एज इस ब्रॉन्ज एज में हम इंडस वैली या फिर हरप्पन सिविलाइजेशन को लाते हैं ओके okay? फिर आती है आपकी आयरन एज ओके अब इस आयरन एज में वेदिक एज आ जाती है जिसमें एक पार्ट आता है आपका अर्ली वाला, जिसको लेटर देखी यहां तक अभी हमने अर्ली और लेटर वेदिक तक देख लिया ओके एक चीज यहाँ पे अगर हरप्पन और वेदिक एज में तुम तो ब्रिक्स थी वेदिक वालों के पास बॉन्ट ब्रिक्स का ज्ञान नहीं था ये आगे तो बढ़ गए लेकिन इनको बॉन्ट ब्रिक्स का आइडिया नहीं था प्लान अर्बनाइजेशन हरप्पन में था पहले इनके पास प्लांट अर्बनाइजेशन था वेदिक एज में प्लैंड अर्बनाइजेशन नहीं था ओके okay? अब भाई वर्शिप की बात करते हैं तो हरप्पन एज में वर्शिपिंग की बात करेंगे तो ये पशुपति को पूजते थे

कुछ दिक्कतें और आ गई उसके साथ साथ यहाँ पे मूर्ति वूर्ति बना के पूजा करने का जो सिस्टम था ना जो आज तक चल रहा है वो भी लेटर वेदिक एज में आ गया तो दिस इज हाउ वी कंप्लीट अर्ली वेदिक, लेटर वेदिक वेदिक एज हमने यहाँ पे खत्म कर दी ये पीडीएफ क्लास के तुरंत बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी द टेलीग्राम चैनल इज के एन ओ डब्ल्यू एलई डी जी ई एच ओ यू आर बाकी किसी को कोई भी दिक्कत हो कोई भी सजेशन हो आई एम ओपन टू इट आई ट्राई टू मेक मैक्सिमम थिंग्स पॉसिबल अपनी तरफ से यू कैन मेल इट टू मे जिन लोगों को ई मेल आई डी नहीं पता है दे कैन राइट इनल स्टडी डाइव डी आईवी डी आईवी ई एट द रेट जी मेल डॉट कॉम ठीक है सो यू हैनी प्रॉब्लम आप लोग अप्रोच कर सकते हैं डाउट्स के लिए तुम लोग पहले ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो उसके थ्रू तुम लोग एक डिस्कशन ग्रुप की लिंक मिल जाएगी वो ज्वाइन कर लेना ठीक है एंड कल सुबह हम लोग करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं भैया तो जो ग्रुप पे लोग हैं जिनको होमवर्क मिला है वो कोशिश करो क्योंकि मान लो अगर मुझे मुझे डेट दी गई है टेंथ ऑफ जनवरी की ओके नाउ आई हैव टू मेक करंट अफेयर्स फॉर टेंथ ऑफ जनवरी एंड बाय चांस आई मिस इट मैं अपना हंड्रेड परसेंट नहीं देती हूँ उस दिन हमने यार चले बीस परसेंट दे देते हैं अपना दो चार क्वेश्चन बना लेंगे हो गया अपना काम तो हो गया सब खुश भी हो जाएंगे If you miss out on these, like if you do 20% of your work, तुम अपने साथ साथ 300 लोगों और का नुकसान कर रहे हो हर इंसान अगर अपना बेस्ट दे, दे देखो मैंने बोला था मैं चंद द इंडिया वाली फैन हूँ, तो अगर इस टीम का हर प्लेयर अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी हॉकी खेल जाए या अपना बेस्ट दे जाए क्वेश्चन बनाने में कि वो एक एक चीज कवर कर ले तीन दिन की बात है और तुम्हें तीन दिन के क्वेश्चन बनाने दिया गया है कहीं से भी लेकर आओ कितने भी क्वेश्चन लेकर आओ ये तीन दिन तुम्हारे हैं जिसमें एक द बेस्ट ऑफ इट वो तीन दिन के क्वेश्चन करंट अफेयर्स जो भी है वो तुम्हें डालने हैं एंड यू आर गुड टू गो सो इफ एवरी ईच ईच एंड एवरी वन ऑफ यू गिव्स योर बेस्ट देन कोई तुम्हें तो रोक नहीं सकता कि तुम करंट अफेयर्स में ऐसे मास्टर नहीं होने वाले हो विल बी द मास्टर ऑफ इट एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन प्री के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए फोकस करंट अफेयर्स पर भी किया इस पर भी किया जा रहा है आई थिंक दिस इज इट थैंक यू सो मच कोई दिक्कत है तो बताओ लेट मी सी दी पीडीएफ अभी मिल जाएगी मैं पीडीएफ डाल दूंगी देखो यार तुम लोगों को बुक्स वगैरह से रिलेटेड जो भी डाउट्स है ना ये ग्रुप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम वाला उसके बाद जो डिस्कशन वगैरह के ग्रुप्स हैं जो डिस्कशन वाला ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर लो वहाँ पे बच्चे तुम्हें इतनी बुक्स बता देंगे ना कि तुम्हारी खुद की एक लाइब्रेरी बन जाएगी ठीक है तुम कहीं से भी डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें क्या पढ़ना है आई डोंट प्रेफर एनी एक पर्टिकुलर बुक मैं नहीं प्रेफर करती हूँ आई ऑल्सो यूज टू लाइक कीप ऑन सर्चिंग फॉर बुक कीप ऑन सर्चिंग फॉर मटीरियल कैसा मटीरियल भाई कि मेरे को कोई टॉपिक पढ़ना है तो मैं वो टॉपिक सर्च करूंगी आई वोट गो बिहाइंड बुक्स क्योंकि जरूरी नहीं है हर बुक में हर टॉपिक अच्छा दिया हो ठीक है तो इफ़ यू स्टिल वॉन्ट बुक्स यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप स्टूडेंट्स कैन हेल्प यू विद एन नंबर ऑफ और आप ज्वाइन आप देख लो कि आपकी खुद की एक लाइब्रेरी बन सकती है अकेले हिस्ट्री पे ओके okay? थैंक यू आशुतोष ओके दैट्स इट जाने के पहले सेशन लाइक like कर दो प्लीज एंड डू शेयर इट सी यू ऑल टूमोरो अपना होमवर्क प्लीज कर लेना दैट वुड ओनली बेनिफिट यू एट द एंड इसमें मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला है ठीक है थैंक यू सो मच गुड नाइट